Hello, hi everyone, how are you today? So here I am, live again. And today, I was a little late, मैं थोड़ा सा हम बाहर थे और हम आ गए. So live is again. Anyways, so दोस्तों live है बेल का दम. बेल के दम में आपको आना है, तुरंत अपने फटाफट फटाफट questions पूछने हैं. पहले 10 लोग जो हमें आज join करेंगे उनका सवालों का जवाब दिया जाएगा. मैं ये देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं जिनके सवाल आ रहे हैं, और देखिए जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे आप लोगों के सवाल भी बढ़ेंगे, और इतने सारे सवालों के जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता जाएगा. इसीलिए आपके लिए ये बेल का दम सीरीज़ है. अब आप देख सकते हैं जैसे मोहित जी हैं, मोहित जी पता नहीं कैसे हर बार पहले 10 में अपना नंबर बना लेते हैं. सो देर इज़ अ वे, अगर आप चाहें तो आप अपने सवालों के जवाब रोज़ पा सकते हैं. आप देख रहे हैं कैसे हो रहा है, राइट? सिर्फ आपको इतना करना है कि हमें फॉलो करना है. थोड़ा शिद्दत से आप अपना बेल का आइकन दबाइए यूट्यूब के हमारे दोनों चैनल पे, और बीच बीच में जब हम अपना टाइम देते हैं 10 बजे, आप हमारे कम्युनिटी सेक्शन में एक्टिव रहिए. हम बताते रहते हैं हम कब लाइव आने वाले हैं, जैसे ही हम लाइव आते हैं आप अपने सवाल पूछ लीजिए. बस इतना करना है तो आपके सवालों के जवाब रोजाना आ सकते हैं, राइट? सो दैट्स दी ओनली थिंग. सो आइए सवाल ले लेते हैं बेल का दम. और थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियोस, एंड ये वाला वीडियो भी लाइक कर दीजिए, राइट? सो मनीष एंड हेल्थ एंड फिटनेस, मनीष हेल्थ एंड फिटनेस पूछ रहे हैं केलॉइड के बारे में. उनके चेस्ट पे केलॉइड है. देखिए केलॉइड का टेक्निकली सर्जिकली रिमूव ही कराना पड़ता है, बट उसके हाई चांसेस हैं फिर से रिकरेंस होने के. केलॉइड के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, एक्नी हाइपरट्रॉफिक स्कार्स, वो वीडियो जाके देखिए, सारे उसके ट्रीटमेंट आपको समझ में आ जाएंगे और कारण भी समझ में आ जाएगा. उसका बेसिक कारण एक्स्ट्रा कोलेजिन है. सो हाइपरट्रॉफिक एक्नी स्कार्स बाय डॉक्टर एजुकेशन, यूट्यूब पे टाइप करिए, वीडियो देख लीजिए. मदित जी का क्वेश्चन, सर कौन से पानी से नहाना चाहिए एक्सरसाइज के बाद? आई लाइक कोल्ड वाटर, बट पेरेंट्स कहते हैं हॉट वाटर, साइंटिफिक रीजन. गुड क्वेश्चन. देखिए होता क्या है, जब आप कोल्ड वाटर लेते हैं आपके स्टमक के अंदर द सो कॉल्ड अग्नि है. द अग्नि इज बेसिकली योर स्टमक एसिड. सो स्टमक के अंदर एसिड है, एसिड अग्नि का काम है आपके खाने को गलाना. खाने को गलाते हैं आपके एसिड, और क्यों गलाते हैं? द प्राइमरी चर्निंग वहां होती है, राइट? वहां पे चर्निंग तो मुंह में हो, चर्निंग के बाद में नीचे जाके वो एसिड मिक्स होता है. एसिड मिक्स होता है तो खाना गलता है, दैट्स उसका काम है. अब ठंडा पानी पियेंगे तो क्या होगा, ठंडा पानी या खाने के साथ ज़्यादा पानी से उस एसिड की एसिडिटी कम हो जाएगी, तो खाना जो है कम गलेगा थोड़ा सा, राइट? अब अगर आपने गर्म पानी पिया, अब गर्म नॉर्मल पानी होता है, ठंडा होता है, गर्म होता है, ठीक है, ऐसे होता है. बीच में सब वार्म होता है, बीच में थोड़ा नॉर्मल होता है, वो सब होता है. एक नॉर्मल का रेंज है, वार्म से लेके नॉर्मल तक नॉर्मल है. तो अगर गर्म पानी पीते हैं तो आपके एक्चुअली जो टेम्परेचर है स्टमक का, वो कुछ देर के लिए अराउंड 30 मिनट्स के लिए 40 मिनट्स के लिए बढ़ जाएगा टेम्परेचर स्टमक का, क्योंकि आपका गर्म पानी पी रहे हो, ऊपर से एसिड है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है. सो टेम्परेचर बढ़ जाने से इट्सेल्फ वहाँ पर एक तरीके की ब्लड फ्लो बढ़ जाना, एक तरीके एसिडिटी बढ़ जाना वाला काम हो जाता है. इससे कई लोगों को एसिडिटी भी हो सकती है, कई लोगों को इससे खाने पीने में पचने में आसानी भी हो सकती है. बट देन इसके आगे कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है. जब उधर स्टमक में ब्लड सप्लाई, स्टमक में कोई खाना एब्जॉर्ब नहीं होता, ना के बराबर होता है. बेसिकली मेन एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में होता है. इंटेस्टाइन में खाना जाने के लिए, पूरा खाने जाने के लिए 3 घंटे, यानी 2 से 3 घंटे लगते हैं. तो इतने देर तक आपका गर्म पानी हो या ठंडा पानी हो, वहां तक सब एक समान है, समझ रहे हो? या फिर एक गर्म पानी को हाथ में रख के देख लो कितने देर गर्म रहेगा. तो ये सोच लो कि पेट में जाते जाते क्या वो उसका टेम्परेचर नॉर्मलाइज नहीं होगा. सिंपल सी बात है दोस्तों. हाँ, गर्म पानी, गर्म गर्म पानी पेट में जाता है तो टेम्परेचर थोड़ा जरूर बढ़ जाता है, दैट इज ट्रू. सो ब्लड सप्लाई थोड़ा सा बढ़ जाता है, दैट इज द लॉजिक, साइंटिफिक लॉजिक देयर. इसीलिए गर्म पानी थोड़ा सा डाइजेशन में मदद कर सकता है, वहां की ठंडा पानी डाइजेशन थोड़ा सा स्लो कर सकता है. बस थोड़ा से की बात है यहाँ, थोड़े से की, ऑलराइट? रिमेंबर दैट. हाउ लॉन्ग टाइम आई ट्रेन वन मसल इन अ डे,
इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट हाउ मच प्रेशर आ रहा है. मान लो अगर आप बाइसिप्स की मारी जा रहे हो, मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, लेकिन एक्चुअली में उस पर प्रेशर ही नहीं आ रहा, राइट. आप सारा का सारा जो है झूलते हुए या फिर उस शोल्डर पे मसल की एक्सरसाइज कर रहे हो. सो आप मार लो तुम 6 घंटे 6 8 घंटे मार लो, थक जाओगे, पक जाओगे, लेकिन उसकी मसल कुछ नहीं बनेगी. सो इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट आपने एक्सरसाइज किस तरीके से की. अगर आप सही तरीके से एक्सरसाइज करोगे तो 3-4 सेट से ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो. तो जब नहीं कर पाओगे तो टाइम कहाँ से आया, है कि नहीं. हाँ, जब टाइम की बात आती है तो रेस्ट की बात आती है, और कुछ नहीं है. क्योंकि सेट का मैंने स्पीड भी बता चुका हूँ कैसे बनेगी बॉडी स्पीरियड में, रेस्ट भी बता चुका हूँ किस सेट, एक सेट को कितने, कौन से गोल के लिए आपको कितनी स्पीड में करना है, कितने सेट करना है, ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज का प्रूवन प्रोग्राम है वहाँ पर. अब ये चीज़ है कि कोई भी पढ़ा लिखा बंदा उसमें से अपना प्रोग्राम बना सकता है, अगर आप चाहो तो, अपने ऑब्जेक्टिव को करने के लिए. आप चाह रहे हो कि मैं बना के दूँ, सो आएगा धीरे धीरे, सारे आएंगे. एक वेट लॉस प्रोग्राम आएगा, एक आएगा आएगा, सब आएगा, बट टाइम लगता है. ओके, अब डेली एक वीडियो है, 2 लाइव है, मतलब क्या चाह रहे हो. आई मीन सीरियसली, बट द पॉइंट इज आई एम डूइंग व्हाटएवर आई कैन. टाइम लगेगा लेकिन आएगा. ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. कीप लाइकिंग द वीडियोज प्लीज. 300 पीपल, 336 लाइक. कीप लाइकिंग. कम ऑन, थोड़ा सा लाइक. अब से मैंने सोचा है 10 पहले सवालों के साथ मैं 3-4 रैंडम सवाल उठा लूँगा, ताकि जो बेचारे बाद में आए उनको भी तो कुछ उम्मीद हो कि मेरा सवाल शायद आ जाए. ओके, सो ये हो, है कि नहीं. 3-4 रैंडम सवाल ऊपर से उठा लेंगे, नीचे से. ओके, सो हमारे 2 सवाल हो गए हैं, 3रा सवाल हो चुका है, और 4था सवाल हम लेने वाले हैं. सर, टेल मी नेचुरल फूड फॉर मसल बिल्डिंग प्लीज़. नेचुरलिस्ट द बेस्ट फूड फॉर मसल बिल्डिंग विनीत राय जी इज़ योर प्रोटीन, राइट. नेचुरल प्रोटीन्स इज लीन प्रोटीन. आप जाके हमारे वीडियो में लीन प्रोटीन का वीडियो देखिए. अंडे खाइए, मतलब चिकन खाते हो तो चिकन खाओ, नहीं खाते हो अंडे चिकन तो दूध पियो, सोया पियो, दाल खाओ सोयाबीन के साथ, पीनट खाओ और पीनट बटर खाओ, इन सबको रोज खाओ, और फिर देखो मसल कैसे नहीं बनती. बस है एक्सरसाइज करनी भी पड़ेगी. एक्सरसाइज के बगैर, रिक्वायरमेंट के बगैर मसल अपनी साइज नहीं बढ़ाएगी. जब तक उसको ज़रूरत नहीं होगी अपना साइज बढ़ाने की, तब तक वो नहीं बढ़ाएगी. सो मेक श्योर उसको रिक्वायरमेंट दो, उसको कारण दो. ओके, उसके लिए कैसे बनेगी बॉडी पूरी सीरीज देखो. हाय हर्षदीप जी, हाय रमेश रमेश शर्मा जी. दीपक शर्मा जी ने पूछा है, नमस्कार सर. सर, खाया पिया नहीं लगता, शरीर बहुत कमज़ोर है, जिम में भी सेहत नहीं बनते, उपाय बताएं. दीपक जी, उपाय हैं ओवरलोड. आपको कभी कभी आपको अपने मेटाबॉलिज्म को ओवरलोड करना होगा. आपको जिम में कोई भी एक छोटा डंबल, गलती से भी 1-2-3 एक्सरसाइज बता रहा हूँ, वो आपको करना ही नहीं है, ठीक है. बाइसिप नहीं मारना, ठीक है, ट्राइसिप नहीं मारना, फोरआर्म को हाथ नहीं लगाना, ठीक है. आपने करने हैं लेग्स, पट्ठ आपने करने हैं लेग्स, ठीक है. लेग्स करिए, ऐसी एक्सरसाइज करिए जो आपकी मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेंगे. लेग्स करना है, बैक करना है, चेस्ट करना है, बस. पुलिंग पुशिंग लेग्स, पुलिंग पुशिंग लेग्स, और कुछ नहीं करना आपने. और आपने खाना है हैवी डाइट. आप जितना खाते हैं उससे 5 गुना ज़्यादा खाओ, 4 गुना ज़्यादा खाओ. आपने बहुत हैवी डाइट खानी है. उसके लिए एक बल्किंग का मेरा वीडियो है, छोटा वीडियो है. आप जाके, बल्किंग डाइट तो नहीं है, बेसिकली हाउ टू गेन वेट, ऐसा वीडियो है, हाउ टू गेन वेट बाय डॉक्टर एजुकेशन, यूट्यूब पे टाइप करिए, आ जाएगा. ओके, वो देख लीजिए. उसमें बताया है क्या खाओ, क्या क्या खा सकते हो, उसमें से जो खा सकते हो, जितना खा सकते हो खा लो, कोई बात नहीं. 1 महीना ओवरलोड करो अपनी बॉडी को. एक बार ओवरलोड बॉडी में, एक बार गाड़ी चल गई ना तो चल जाएगी. ओके, और फिर भी नहीं चलती तो टेस्ट कराने पड़ेंगे. हाँ, एक थायराइड का टेस्ट कराओ, एक लीवर का टेस्ट कराओ, किडनी का टेस्ट कराओ, हीमोग्लोबिन कराओ, और HbA1c. ओके, हाउ टू सेव माई सेल्फ फ्रॉम एयर पोल्यूशन इन दिल्ली. ये दिल्ली वालों का सबसे अच्छा क्वेश्चन, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन. इसका एक ही सवाल का एक ही जवाब है. हमारे पास एक वीडियो भी है इसका. इसमें हमारा एक वीडियो है जिसका नाम है स्मॉग. स्मॉग है बेसिकली दिल्ली के अंदर, जिसमें ओजोन का भी पार्टिकल्स है, कार्बन पार्टिकल्स है, और बहुत ज़्यादा स्मोक प्लस फॉग इज स्मॉग. सो स्मॉग बाय डॉक्टर एजुकेशन पुराने मेरे वीडियो में से एक है, तो ज़रूर देखिए. उसमें मैंने इन सब के बारे में बहुत डेप्थ में बात करी है. मगर आज मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि क्या कर सकते हो आप, तो बहुत ज़रूरी चीज़ है. क्योंकि ये चीज़ समझना कि आपको वहाँ जो पोल्यूशन है आपके घर के, आपके बेडरूम के अंदर नहीं है, ठीक है. पोल्यूशन है सिर्फ और सिर्फ बाहर सड़क पे. सारा पोल्यूशन है सड़क पे. तो जो करना है सड़क पे करना है. जितना समय सड़क पे गुजारोगे उतना ही समय आप अपना नाक और मुंह ढक के रखिए,
अगर आप कार के अंदर है तो खिड़की बंद करके एसी चलाइए, वो अपने आप एयर कंडीशन करेगा। अगर कार के अंदर नहीं है, बाहर है, खड़े भी हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा नाक मुंह ढक लीजिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ज़रूरत भी नहीं। ओके, ये काम बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे सड़क के आसपास खेलते हैं तो फिर आपको उस एरियाज का कुछ करना पड़ेगा, समझे? या फिर बच्चों को कहीं और पार्क में ले जाओ, ऐसी जगह जहाँ से सड़क थोड़ी दूर है। BECAA पर वीडियो आएगा जनाब, माई ब्रदर स्टार्टेड हैविंग पिम्पल्स देव जुते तुतेजा ऑन बैक ऑन हिज हेड, नाउ दे आर ऑन द चेस्ट एरिया एंड पेनफुल, वॉट टू डू? पिम्पल्स के ऊपर हम बहुत लंबी बातें कर चुके हैं, द सेम ट्रीटमेंट अप्लाइज हियर। आपको पिम्पल्स के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि गर्मी ज़्यादा हो जाती है और पिंपल्स आते हैं, अल्टीमेटली सी हार्मोनल प्ले है, गर्मी का मतलब हार्मोन्स की बात हो रही है वहाँ पे, और कोई गर्मी नहीं होती। और राइट, जैसे हम बोलते हैं कि प्रोटीन खाने से मुझे पिंपल हो गए, अंडे खाने से मुझे पिंपल हो गए, अल्टीमेटली दीज आर प्रोटीन फूड, एंड प्रोटीन खाने से आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होते हैं। हमने पिछले टेस्टोस्टेरोन में भी देखा, डाइट का बहुत बड़ा रोल है, टेस्टोस्टेरोन प्रोटीन से, एक्सरसाइज से, रिक्वायरमेंट से बूस्ट होता है, तो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा तो आपको पिंपल्स आ सकते हैं। सो दैट इज द की, आप क्या करें, आप पिंपल्स के लिए स्किन केयर करें, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि मैं अपने हार्मोन कम कर दूं, टेस्टोस्टेरोन कम, कोई नहीं करना चाहता, अगर आप आदमी हो तो क्यों करना चाहोगे? दैट इज नॉट गुड फॉर यू, राइट? सो क्यों फालतू पंगे ले रहे हो? एक लेवल आएगा जब अपने आप कम हो जाएंगे, अपने आप पिंपल बंद हो जाएंगे। जब तक पिंपल है तब तक केयर करो, तब तक ज्यादा थोड़ा सा उसको देखो कि ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन वाली केयर करो, ऑयली नहीं है तो ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन वाली केयर करो, उसके लिए ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, पिंपल, हर एक पे मेरे वीडियोस हैं, उसको जाके देखिए, पेपर पेन लेके, पेपर पेन से पॉइंट्स लिखिए, वो सारे पॉइंट्स में से 90% भी फॉलो करोगे तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व। ऑलराइट, सब देखिए पिंपल वाले वीडियोस, ओके? और स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिए, ऐसे जनरलाइज क्वेश्चन के लिए वीडियोस बनाए हैं पूरा नॉलेज देने के लिए, यहाँ पे पूरी की पूरी राम कहानी नहीं सुना सकते हैं, क्षमा करिएगा, यहाँ शॉर्ट में आपके एक सवाल का जवाब हम दे पाएंगे। और राइट, केलॉइड है सर चेस्ट पे, ओके है ना? केलॉइड, आई फेस्टून कैसे ठीक कर सकते हैं? क्षमा करिए, आई फेस्टून नाम की मैंने कोई चीज़ आज तक सुनी नहीं है तो मैं नहीं बता पाऊँगा, क्षमा करिएगा, फेस्टून नाम की चीज़ सुनी नहीं, मुझे भी देखना पड़ेगा ये कुछ हैता है कि नहीं, या तो आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है जो आपको थोड़ी सी महंगी पड़ेगी यानी एक दिन का, कल आना पड़ेगा आपको सही वर्ड लेके। ओके, आकाश सूर्यवंशी, माय सीरम क्रिएटिन इज 1.1, शुड आई टेक क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट? डेफिनेटली यू कैन टेक क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, एंड फॉर दैट मैटर एवरीबडी शुड नो दैट इफ योर क्रिएटिन इज 1.1 एंड यू टेक क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, योर क्रिएटिन कैन, क्रिएटिनिन कैन गो टू 1.2, 1.3, दैट इज ओके, राइट? दैट इज ओके बिकॉज यू आर ऑलरेडी लोडिंग योर क्रिएटिन लेवल्स, तो क्रिएटिन लेवल्स अंदर लोड हो जाएंगे, क्रिएटिन की मात्रा आपके मसल में बढ़ जाएगी, तो उसमें से जो 1% 2% निकलता है वो भी तो बढ़ेगा ना, जो मेटाबोलाइज होता है, तो क्रिएटिनिन भी थोड़ा सा बढ़ेगा, तो अगर आपका 0.6 है तो 0.8 हो सकता है, आपका 1.1 है तो 1.2 1.3 हो सकता है। सो इसलिए आपको, अगर लंबे समय के लिए क्रिएटिन लेना चाह रहे हैं तो क्रिएटिनिन लेवल एक बार पहले चेक कर लीजिए, बाद में चेक कर लीजिए, बीच में 2-3 महीने में चेक कर लीजिए बस। और इसको सही रखने के लिए, ठीक रखने के लिए सबसे ज़रूरी है पानी, जैसे मैंने बताया छन्नी में पानी डालोगे तो फिर आपको फिल्टर हो पाएगा, सो इसलिए पानी पीते रहोगे तो किडनी खराब नहीं होगी, पानी नहीं पियोगे तो गड़बड़ होगी। 3 से 4-5 लीटर पानी लेना है दिन में रोज, कम से कम 3, अच्छे से लो जितना मर्जी। ऑलराइट, सूफिया उसामान, उन्होंने कहा हेल्थ अनियंस आर हेल्थ एंड बेनिफिट्स, अनियन हेल्थ बेनिफिट्स पे टोटली एक नया वीडियो आएगा। अनियन में बेसिकली आप मल्टी विटामिन, हेल्थ, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंड इट हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, बट ऐसा नहीं है कि इट्स अ मेडिसिन, ऐसा नहीं है कि इट शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड एंड उसकी एक मेडिसिन बनानी चाहिए, इट्स अ फूड, राइट? इट हैज़ अ रोल इन योर किचन, इन योर हेल्दी डाइट, राइट? वहीं रहने दो, ओके? उसको पेस्ट बना के, ड्रिंक बना के एक एक लीटर पीने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नोबडी हैज इवन फाउंड आउट कि अनियन में, भिंडी में, गाजर में, मूली में एग्जैक्टली क्या क्या है, एग्जैक्टली क्या क्या है फ्रूट में, वी डोंट नो, नोबडी नोज, साइंस वहां तक पहुंचा ही नहीं है कि हर एक माइक्रो न्यूट्रिएंट पकड़ के पता कर ले कि ये भी कोई चीज होती है। हर 5 साल, हर 10 साल में एक नया माइक्रो न्यूट्रिएंट पता चलता है, ओहो ये भी है, इसी की वजह से ये हो रहा है, इसी की ये हो रहा है क्योंकि रिसर्च चल रहा है,
इसीलिए रिसर्च, अब देखो आयुर्वेदा में या बाकी सारे उन्होंने बोल दिया कि इससे ये होता है, वो ऑब्जर्वेशन साइंस है, ये रिसर्च साइंस है, हम रिसर्च करते हैं। मेडिकल रिसर्च जो होता है वो होता है कि ओहो ये हुआ, ओहो इसमें ये है, अच्छा ये है, क्योंकि पहले थोड़ी पता था बैड कोलेस्ट्रॉल होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, पहले तो पता कोलेस्ट्रॉल होता है, फिर पता लगा बैड कोलेस्ट्रॉल, फिर पता लगा गुड कोलेस्ट्रॉल। सो बात समझने की कोशिश करिए, ऐसे होती है रिसर्च। सो अनियन के हेल्थ बेनिफिट, अनियन का रोल यही है, ठीक है, इसको इस तरह से इस्तेमाल करिए, डोंट मेक इट अ मेडिसिन। वे प्रोटीन कितने टाइम टेबल टाइम के बाद ले सकते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता? नहीं होता जनाब, कितने भी टाइम तक ले सकते हो, उसका साइड इफेक्ट नहीं होता अगर वे प्रोटीन सही है, आई मीन ओरिजिनल है तो। अगर वे प्रोटीन में मिलावट है तो फिर आपका भगवान मालिक है, क्या मिलाया है वो भगवान जानता है, वो मिलावट कौन करता है ये आप हमसे ज़्यादा आप खुद जानते हैं। 25,000 वीडियो मिल जाएंगे, आप टटोल के देखिए कैसे डब्बे खुलते हैं बिना सील तोड़े, वो सब के वीडियोस बना रखे हैं लोगों ने, पता नहीं क्या क्या कर रखा है, दुनिया पूरी ख़राब हो रखी है। इसलिए नेचुरल चीज़ें खाओ थोड़ी सी, ठीक है, नेचुरल प्रोटीन भी खा लो, नेचुरल प्रोटीन आधा कम से कम लेना ज़रूरी है। वे चुपचाप वो डब्बा साइड कर देना, राइट, पैसे जाएंगे लेकिन ख़राब नहीं होगा हेल्थ। ओके सलाम वालेकुम, क्या बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, सॉरी वालेकुम अस्सलाम सहीर फातिमा जी, राइट। नीरज कुमार, इसी बात पर लाइक तो बनते हैं जनाब, है कि नहीं नीरज कुमार जी, हैं फातिमा जी, हेलो सर, हेलो सर, हेलो, ओके सर, कैन आई यूज़ कैलापुर लोशन फॉर मॉइस्चराइजर इन विंटर माय एक्नी, ऑन माय एक्नी फेस? नो 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 नो, एक्नी पे कैलापुर, कैलापुर आई थिंक इज समथिंग लाइक वैसलीन, आई एम नॉट श्योर, अगर वो वैसलीन जैसा है देन डोंट यूज इट, नो 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 नो, इट्स वेरी काइंड ऑफ अ लोशन। सी विंटर्स में दो ही चीज़ें आपको मॉइस्चर ख़राब करेगी, नंबर वन आपका पानी का इंटेक और मॉइस्चर निकाल देने वाला आपका साबुन। पहला काम करिए जनाब, पहले आप साबुन बना दे, साबुन फेंक दीजिए अपने जितने भी साबुन हैं आपके, कोई भी हो, कितना भी कितना मॉइस्चराइजर डाला हो, चाहे डव का हो चाहे लव का हो, वो साबुन निकाल के फेंकिए और लाइए उसका लिक्विड सोप। जब साबुन की बट्टी बनी जाती है तो उसमें अल्कलाइजिंग एजेंट डाला जाता है, वो अल्कलाइजिंग एजेंट वाला साबुन जब आपके शरीर को लगता है तो वो उसमें से मॉइस्चर खींच लेता है, बॉटम लाइन। सो लिक्विड सोप इस्तेमाल करिए, लिक्विड सोप भी जितने ज़्यादा देर तक रखेंगे उसमें भी थोड़ा सा अल्कलाइजिंग एजेंट हो सकता है। सो साबुन का काम है लगाओ और धो डालो, उसका काम नहीं है कि वहाँ लगा के रखो नहाने के लिए, ऑलराइट, सो दैट इज अ थिंग, दैट इज अ की हियर, ऑलराइट। और पानी पियो 4 लीटर 5 लीटर, नहीं होगा आपको कोई भी दिक्कत, दिन में 2 बार मॉइस्चराइजर लगाओ और कुछ नहीं करना है। एक्नी के ऊपर ऑयल वेस्ट या ये क्रीम ये इस तरीके की चीज़ें नहीं लगाते, नहीं तो एक्नी बढ़ सकता है आपका, ठीक है। ओके सर मेरा वेट, एक्नी वाला सीरीज जरूर देख लीजिएगा। कितने क्वेश्चन हो गए यार, बीच में रैंडम क्वेश्चन लेने का टाइम आ गया क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यस यस यस, रैंडम क्वेश्चन लेने का टाइम आ चुका है। तो मैं वो भी ये बेसिकली व्हील होगा, मैं ऐसे ऊपर घुमाऊंगा और जहां रुकेगा वहां रुकेगा, ऑलराइट। सो ये घुमा दिया ऊपर और ये स्टॉप, ये है अब्दुल खालिक का क्वेश्चन। अब्दुल खालिक जी पूछ रहे हैं, सर आई हैव समटाइम्स ब्रेथ प्रॉब्लम एंड फीलिंग सम पेन इन माई हार्ट ऑल्सो। अब्दुल खालिक जी डोंट वरी अबाउट इट, गेट एन ECG डन। पहला दुनिया में सबसे बड़े आपकी उद्देश्य होना चाहिए कि मेरे दिल को कुछ ना हो, दिल कोई तोड़ दे लेकिन दिल में अटैक नहीं होना चाहिए, मतलब टूटा दिल ठीक हो जाएगा पर अटैक वाला खराब हो जाएगा। इसलिए आप क्या करिए, जाके अपनी ECG कराइए, इको कार्डियोग्राफी कराइए। अगर आपकी उम्र 25 से नीचे है तो सिर्फ इतना काफ़ी है, अगर आपकी उम्र 30 है या 25 के ऊपर है, या आप सिगरेट पीते हैं या आप दारू पीते हैं या आपको शुगर BP थायराइड है या आप मोटे हैं या फैमिली हिस्ट्री है हार्ट बीमारी की, तो फिर आप अपना TMT या स्ट्रेस इको भी कराइए अगर ECG और इको नॉर्मल है। इन टॉपिक पे मेरे बहुत ही सारे वीडियो हैं, आपको सिर्फ टाइप करना है छाती में दर्द या चेस्ट पेन या हार्ट अटैक बाय डॉक्टर एजुकेशन और आपको हमारे वीडियोस की लाइन मिल जाएगी। इत्मीनान से बैठ के देखिए, आपको पता चल जाएगा आपको क्या करना है। और एक बार फिर चक्कर चलाने जा रहे हैं हम, ये क्या है, ये सर विल टीचर्स बी अफेक्टेड बाय थायराइड, सॉरी टीचर्स, व्हाट यू मीन बाय टीचर्स, टीचर्स बी अफेक्टेड बाय थायराइड, टीचर टीचर का क्या लेना देना, आपके प्रोफेशन का थायराइड से कोई लेना देना नहीं है कृष्णा जी, कृष्णा 1493। टीचर्स भी अफेक्ट होंगे, बिल्कुल होंगे, थायराइड बिल्कुल नहीं देखता कि आप क्या पढ़ा रहे हो, आपको क्या पता है, राइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन घुमा के ऊपर ले लिए हमने,
और ये है ओके ममता सिंह। ममता सिंह जी कह रहे हैं, सर मुझे बहुत पुरानी गैस्ट्रिक एंड कॉन्स्टिपेशन है, सो प्लीज़ मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने पे उबाय। ओए मेटाबॉलिज्म पे नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है, कैसे बनेगी बॉडी के ऊपर, थर्ड 11 पे 12, 12वां मैं कैसे बनेगी बॉडी पे मेटाबॉलिज्म पे डाल देता हूँ, चलो आपके लिए। और कल तो मैं डालने वाला हूँ हाइट का, क्योंकि आप लोगों ने अपने कम्युनिटी सेक्शन में हाइट वाले को ज़्यादा वोट दिए, एटलीस्ट 1 घंटे पहले तक तो हाइट को ज़्यादा वोट थी। अब जाके देखूंगा कौन सा है, तो अब रात को एडिट करूंगा। देखिए हम एडिट भी उसी एक दिन में एडिट भी होते हैं, लाइव भी होते हैं, रिकॉर्डिंग भी होती है, फिर फेंका फिर डाला भी पड़ता है, और फिर उसके बाद कमेंट्स के रिप्लाई भी करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। इसलिए आप समझिए बात को कि ये ही तरीका है हमारे लिए बेस्ट, आपको थोड़ा सब्र रखना है, थोड़ी जल्दी आना है ताकि आपके सवालों का जवाब हो। सो मेटाबॉलिज्म बढ़ाने का वीडियो जल्दी आएगा। फिलहाल मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए आप सुबह और शाम 10 मिनट के लिए अपने बेडरूम के अंदर या तो स्किपिंग कर लीजिए या जॉगिंग कर लीजिए, खड़े खड़े, खड़े खड़े स्किपिंग, खड़े खड़े जॉगिंग, या फिर 10 सूर्य नमस्कार कर लीजिए, वो जो होता है ना वो वाला, ये सुबह शाम करके देखिए, आपको 1 महीने में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। सिर्फ सुबह और शाम, सुबह एक बार नहाने से पहले, शाम को एक बार क्या बोलते हैं सोने से पहले, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, डजंट मैटर, डू दैट, एवरीबडी कैन डू दैट, जो भी कर सकते हैं। आई मीन एक बार और घुमा रहे हैं पर्चा, और लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, 21 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं, सो एक बार पर्चा देखते हैं। हु इज द लकी वन, यू खट, ये आया है ये क्वेश्चन, क्वांटम मैग्नेटिक एनालाइजर रिलायबल, हे भगवान, नहीं जनाब इसके बारे में हम नहीं बता सकते क्योंकि इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। देखिए हम एक इंसान है, हम क्या बोलते हैं इसको, विकिपीडिया नहीं है, गूगल नहीं है कि हर एक कुछ भी डाल दोगे मुझे पता चल जाए। क्वांटम मैग्नेटिक एनालाइजर इज़ बेसिकली अ मशीन विच माइट एनालाइज सम थिंग, आई डोंट नो मच अबाउट इट, सो आई कैन नॉट से। चलो ये वाला अनवैलिड क्वेश्चन एक बार और घुमा लेते हैं लास्ट। एक बार और घुमाने पर मतलब हम आखिरी में पहुँच गए। हाय हाय कर रहे हैं प्रिंस जी और शशि जी, और अब ये है पंकज सचदेवा जी, नाम लिखा है, फोटो किसी लड़की की है, सो जो भी है, पंकज सचदेवा जी, मैं सर मेरे स्टंट डला है, क्या मैं चिकन बिना घी के खा सकता हूँ? आप पंकज जी, आपका अगर वजन ठीक है, अगर वजन कम है तो आप चिकन घी वाला भी खा सकते हो, लेकिन रोज़ नहीं, आपको घी बटर मक्खन मलाई कम खाना है, आपको उसको देखना चखना मना ही नहीं है, आप 1 चम्मच घी खा सकते हो बिना किसी डर के, समझ रहे हैं? सो घी में बना हुआ चिकन भी खा सकते हो अगर उसमें 1-2 चम्मच डाला है, क्योंकि आप पूरा का पूरा थोड़ी खा रहे हो कढ़ाई वाला, आप तो ज़रा सा खाओगे ना, उसमें 1 चम्मच चिकन खा सक मतलब घी खा सकते हो, ऐसी मनाही नहीं है। चिकन को बेस्ट खाने के लिए आप उसे आप करिए क्या बोलते हैं तंदूर में कर लीजिए, घर में तंदूर बना लीजिए, सेक करके ब्रॉयल कर लो, ब्रोस्ट कर लो, रोस्ट कर लो, राइट, टिक्का बना लो, ऐसी कुछ चीज़ करके ज़्यादा हेल्दी होगा इंस्टेड ऑफ बाहर की ग्रेवी। बाहर की ग्रेवी में डाउट होता है कि उन्होंने क्या डाला क्या ना डाला, राइट, ऑयल कौन सा नहीं और कितना, बिकॉज उनका ऑब्वियसली ऑयल तो ऐसा इतना इतनी लेयर जब एक एक तैरता है तो सोचिए डाला कितना होगा। सो दैट्स द आइडिया अबाउट दैट, कि घर में बनाओ, खुश रहो, और ऊपर का चिकन हटा दो, लीन प्रोटीन वाला मेरा वीडियो देख लेना, राइट और बाकी मेरा ब्लॉग्स फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे आइए, और ये बताइए क्या मैं फेसबुक पे भी लाना लाइव आना शुरू करूँ क्या? आई मीन थर्ड लाइव, ओ माई गॉड, ऐसा थोड़ी होता, बट ठीक है। एनी वेज जाते जाते दोस्तों एक बात बता दूं, प्लीज़ हेल्प करिए बाकी लोगों की, जो लोग परेशान हैं जिनके सवालों के जवाब नहीं आ रहे, हाथ जोड़ के विनती आपसे, क्योंकि मैं नहीं देख पाता हूं तो आप लोग देखिए, हम आपके लिए सवालों के जवाब दे रहे हैं, हम आपसे कुछ नहीं मांगते, बस इतना मांगते हैं कि दूसरों की हेल्प करिए और कुछ नहीं। हमारे चैनल पर जो आया खाली हाथ नहीं जाए, उसको रास्ता मिले या जवाब मिले, बस है ना, तो उसमें आप लोग हमारी मदद करिए, है ना जी। और प्लीज़ जाते जाते इसको लाइक कर दो इसको, क्योंकि क्या है पता नहीं, शायद यूट्यूब वालों को पंगे हैं, जब तक आपके लाइक नहीं होंगे आपको क्रेडिबिलिटी नहीं मिलेगी, क्या नई चीज़ें हैं बताओ, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।